तो भाई लोग, काफी दिनों से आपकी आत्मा सोच रही होगी कि भाई बहुत दिन हो गए यार, बहुत साल हो गए थ्योरम वाले बाबा ने यार कोई गिव अवे नहीं करा। अनबॉक्सिंग तो कर लेते हैं लेकिन गिव अवे नहीं करते, ठीक है? बहुत टाइम हो गया है गिव अवे के लिए। तो कोई बात नहीं, आपकी आत्मा को खुश करने के लिए लेके आ गया हूँ यही प्रोडक्ट जिसका होने वाला है अनबॉक्सिंग और गिव अवे। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए, गिव अवे की लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। आपको वैसे थंबनेल से तो पता चल गया होगा ये बॉक्स के अंदर क्या है, गिफ्ट रैप के अंदर क्या है, तब भी अनबॉक्स कर लेते हैं, रैप की इज्जत कर लेते हैं। तो ये है अपना लेटर, इसको बाद में पढ़ेंगे, इसको फाड़ते हैं। अरे बाप रे, देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। ये भी फट रहा है, सब फाड़ दिया, ठीक है? हम नहीं किसी पर भला करते। यहाँ पर ये कटर, ये अपना कटर, यहाँ पर टेप लगी है, इसको अनटेप करते हैं। इसका तो मजा ऐसे फाड़ने में, फटा नहीं, ऐसी फाड़ो भाई। तो ये रहा उसका एक्चुअल डब्बा, यहाँ पर इसकी कंपनी का नाम लिखा है सेल्वो, ठीक है? यहाँ पर प्ले टाइम दिया गया 4 आवर, टॉक टाइम 4 आवर, स्टैंड बाई टाइम। ये तो यार ये बेकार है, ये तो आपको पता ही होगा। चार्जिंग टाइम ये सब लिखा है इसमें। ब्लूटूथ 5.0 का इस्तेमाल करा गया है और इसमें हाई बेस है, वो तो हम टेस्ट करेंगे तब पता चलेगा कि इसकी हाई बेस है या लो बेस है, ठीक है? यहाँ पर इसकी दाम लिखा हुआ है, यहाँ पर 2500 लिखा है, लेकिन आपको 530 रुपये में कुछ मिल जाता है, ठीक है? यहाँ पर 1 साल की वारंटी आपको मिली जाती है। चलिए बिना समय वेस्ट करें, इसमें यहाँ पर लिखा है आप कहाँ इसको किस किस डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पर लैपटॉप वैपटॉप सब लिखे हुए हैं। चलिए इसको बिना देरी करे अनबॉक्स करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। इस प्रोडक्ट में हमें ये दो मेन चीज़ मिलते हैं, ये USB केबल टाइप सी नहीं है, ये स्पीकर, मेन स्पीकर, ठीक है? और वैसे यहाँ पर यूजर मैनुअल सब मिलती है और एक वारंटी कार्ड मिलती है जिसमें आप अपनी वारंटी रजिस्टर करा सकते हो, ठीक है? यहाँ पर लिखा है रजिस्टर योर वारंटी, इसको भी फेंकते हैं और भर जाते हैं अपने मेन प्रोडक्ट पर। तो यहाँ पर इसकी ब्रांडिंग दी गई है, ठीक है? यहाँ पर मैं आपको दिखा सकती हूँ, यहाँ पर एक चार्ज करने वाला है, यहाँ पर ये ऑन ऑफ का बटन है, ठीक है? यहाँ पर माइक्रो SD कार्ड आप लगा सकते हो और ये पावर बैंक की तरह काम करता है, ठीक है? आप इसको चार्ज कर लगा सकते हो अपने फ़ोन को। यहाँ पर इसके कंट्रोल दिए जाते हैं, बटन के कंट्रोल, यहाँ पर वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, यहाँ पर आप मोड वाले बटन है, FM रेडियो का मोड मिलता है, फिर इसमें आपको स्पीकर मोड मिलता है, ब्लूटूथ मोड आप बोल सकते हो, ठीक है? यहाँ पर प्ले एंड पॉज और कॉल कट रिसीव आपको बटन मिलते हैं, ये है, यही है। और यहाँ पर एक पट्टा मिलता है आपको, खूटा बोल सकते हो आप, यहाँ पर मैट फिनिश के साथ मिलता है, ये सॉफ्ट टच है, बहुत बढ़िया गैजेट लग रहा है मुझे तो। चलिए इसको बिना देरी करे इसको ऑन करते हैं। तो ऑन करने के लिए आपको जाना है, ये ऑन ऑफ का बटन है, तो यहाँ पर ऑन कर देना है। तो यहाँ पर एक देखिए ढोलक सा बज रहा है, ये ब्लूटूथ मोड में है, ठीक है? यहाँ पर भी एक लाइट इंडिकेट हो रही होगी, आप देख सकते हो, ठीक है? यहाँ पर आप इसका मोड कैसे चेंज कर दोगे, मोड के बटन में जाना है, M से मोड, AUX मोड है कोई, ठीक है? आप देखिए एक बार फिर से प्रेस करिए, देखिए ब्लूटूथ मोड, अबे JBL सा चल रहा है FM मोड में, ठीक है? तो ये FM मोड में तो चलाइएगा मत गाइस, ये ब्लूटूथ मोड में है, फिर AMU मोड हो जाएगा, AUX मोड हो जाएगा, फिर ये FM रेडियो मोड, FM मोड, ब्लूटूथ मोड। मैंने जल्दी से बंद कर दिया, ये खतरनाक चीज है, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो, प्लस माइनस, प्लस मतलब वॉल्यूम अप, माइनस मतलब वॉल्यूम डाउन, यहाँ से प्ले और पॉज कर सकते हो। तो बिना देरी करे चलिए इस ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं जल्दी से। तो आपको सबसे पहले जाना है अपने ब्लूटूथ में, ब्लूटूथ को ऑन करना है, ठीक है? यहाँ पर आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेना, अदर डिवाइस में आ जाएगा ये इसका कंपनी का नाम, तो यहाँ पर ऐप क्लिक कर दीजिए, ये थोड़ी देर में पेयर हो जाएगा, ठीक है? तो देखिए गाइस ये पेयर हो गया है, 80% इसकी बैटरी बता रहा है, थोड़े बहुत जल्दी हो गया है पेयर, 2-4 सेकंड लगे हैं कुछ, ठीक है? 80% इसकी बैटरी है। और देखिए गाइस ये पहले इंडिकेट हो रही थी, इसकी ब्लू लाइट
जप जप कर रही थी, अब ये स्टॉप हो गई, ये स्टेबल हो गई है। तो बिना देरी करिए इसमें गाना प्ले करते हैं, तभी तो हमें पता चलेगा इसके लाउड बेस है या लो बेस है। तो चलिए गाना प्ले करते हैं। तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, उस वाली वीडियो में, इन्फिनिटी वाली वीडियो पर मेरे पर कॉपीराइट आ गया है, तो इसमें मैं कॉपीराइट वाले गाने नहीं चलाऊंगा, ठीक है? नॉन कॉपीराइट वाले गाने चलाऊंगा, तब भी नॉन कॉपीराइट गाने में मज़े है। तो गाइस इंजॉय करिए, लियो ये चला दिया मैंने, वॉल्यूम फुल कर देता हूँ, ठीक है? अब फिर आपको पता चल जाएगा कि इसका बेस कितना है, ये हाई बेस का है या नहीं। तो भाई लोग, अगर आपको इसकी आवाज़ कम करनी है, आपको ज़्यादा आवाज़ नहीं पसंद आ रही, तो आप यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करिए, ये माइनस पर लॉन्ग प्रेस करिए, लेकिन गाना बजना चाहिए, ठीक है? तब आपको पता चल जाएगा। गाना बजा रहा हूँ, ठीक है? अब देखिए मैं कम करता हूँ इसकी आवाज़। तो देखिए गाइस, इसमें की आवाज़ कम हो गई है, यहाँ पर गाना चल रहा है। अगर आपको विश्वास ना आ रहा हो तो देख लीजिए, यहाँ पर गाना चल रहा है, ठीक है? ये इसकी आवाज़ कम हो गया है। अब देखिए इसमें मैं गाना को प्ले करता हूँ, तो ये गाना प्ले हो गया है, ठीक है? थोड़ा आवाज़ कम है, आवाज़ बढ़ाते हैं। तो गाइस ये है इसका बेस, या ये बहुत कर्री आवाज़ फेंकता है, ठीक है? और आपको अगर इसमें मतलब कि दूसरा गाना प्ले करना है, तो मैंने आपको बता रखा है, आप करिए इस पर क्लिक, इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करिए और आपका गाना चेंज हो जाएगा। देखिए ये प्लस वाले आइकन पर गाना करा, अब देखिए चेंज हो गया। तो ये भी चेंज हो गया है, देखिए गाइस गाना चेंज हो गया है, ठीक है? अब ये देखिए दूसरा गाना आ गया। अगर आपको वही पिछला वाला कराना है, माइनस पर क्लिक करिए, माइनस मतलब प्रीवियस, माइनस पर क्लिक करा और ये देखिए वही गाना आ गया, देखिए वही गाना आ गया है, ठीक है? तो गाइस आप समझ सकते हैं ये ब्लूटूथ अच्छा है। आपको, आप मेरे को कमेंट में बताइए कि आपको ये कैसा लगा। मेरे को तो वैसे इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, ये ऐसे बढ़िया स्पीकर है, 500 रुपये में आपको बढ़िया स्पीकर मिल रहा है, वो भी ब्लूटूथ 5 आपको मिल रहा है। वैसे और भी बहुत सारे फीचर है, आप इसको माइक्रो USB से भी चला सकते हो। तो गाइस ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें, यहाँ इस वीडियो में मैंने इसकी अनबॉक्सिंग करा, इसका गिव अवे भी होने वाला है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाइए और इसमें पार्टिसिपेट करिए, अपनी इनवैलिड एंट्री मत करिएगा इसमें। मैंने अभी आपको साउंड क्वालिटी तो टेस्ट करा ही दिया है। अगर आपको ये प्रोडक्ट बाय करना है, लिंक मिल जाएगी आपको फिर से डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से बाय कर सकते हो, गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके, फेसबुक पर फॉलो करके या लाइक करके। चलिए मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, और कमेंट जरूर करना, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ओके बाय बाय, थैंक यू।